हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए चीज़ स्टफ बीटरूट कटलेट्स बनाने जा रही हूँ। उसके लिए मैंने ये चार बीटरूट लिए हैं। ये दो को तो मैंने कद्दूकस कर लिया है और ये पांच आलू मैंने बॉईल कर लिए हैं। ये अपनी चीज़ है, मोज़रेला चीज़ है। इसको मैंने ऐसे छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। ये हम अपने स्टफिंग में डालेंगे। ये मैं ब्रेड क्रम्स हैं। ये प्याज को मैंने महीन काट लिया है और ये मैदा है 2 टीस्पून। इसकी हम बाद में एक स्लेरी बना के घोल कटलेट्स में लगाएंगे। और ये अपने मसाले हैं, चाट मसाला है, लाल मिर्च पाउडर है, धनिया है, गरम मसाला है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो बीटरूट्स हैं इनको मैंने दो को तो मैंने कर लिया है, दो को मैं और कर लेती हूँ। इस तरह से अपने आलू और बीटरूट दोनों को हम कद्दूकस कर लेंगे। ये देखिए, अपना बीटरूट और आलू को हमने कद्दूकस कर लिया है। अब चलिए गैस की तरफ चलते हैं और अपने मसाले को, बीटरूट को थोड़ा सा भून के अपनी स्टफिंग का मसाला तैयार करते हैं। अब इसमें हम अपना ये बीटरूट जो कद्दूकस किया था इसको डाल देंगे। जो हमने प्याज काटा है वो हम बाद में डालेंगे, तो जिससे कटलेट्स में थोड़ा सा वो क्रंचीपन रहेगा प्याज में। हम प्याज को अभी भून देते तो प्याज सॉफ्ट हो जाता, फिर वो खाने में अच्छा नहीं लगता है। वो क्रंचीपन थोड़ा सा प्याज से ही आता है, तो इसलिए हम प्याज अपना बाद में डालेंगे। पहले हम बीटरूट और आलू का अपना वो बना लेते हैं मसाला। इसको 5 मिनट भूनना है। अब इसमें हम अपने मसाले डालेंगे। ये 1 टीस्पून अपने इसमें धनिया पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून नमक डालेंगे और मैं इसमें 1 टीस्पून पाव भाजी मसाला डाल रही हूँ। उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और इसमें चाट मसाला 1 टीस्पून, अब इसमें हम लोग अपने जो आलू हमने कद्दूकस किए थे वो भी मिला देंगे। ये देखिए, अपने दोनों चीज़ें आपस में मिल गई हैं, मसाले मिल गए हैं। अब इसमें मैं अपनी 2 ग्रीन चिली और ये अपना 2 अनियन जो अपने महीन चॉप किए थे वो सब इसमें मिला देंगे। बस इनको मिला के आपस में गैस बंद कर दूंगी और इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, फिर अपने कटलेट्स बनाएंगे। ये देखिए, अपना आलू और बीटरूट का मिक्सचर ठंडा हो गया है। और ये जो हमने 2 टेबल स्पून मैदा लिया था, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक घोल बना लेंगे। बस ऐसे, बस इतना अपने को पतला घोल बनाना है। इसमें हम थोड़ा 1/2 टीस्पून नमक डाल देंगे। तो चलिए अब गैस पे हम अपने ऑयल रखते हैं। इनको हमें अपने कटलेट्स को शैलो फ्राई करना है, तो मैं गैस पे कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालते हैं। ये हमने थोड़ा सा तेल डाल दिया है। अब अपने कटलेट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और अपना 1 स्पून कटलेट लेंगे हाथ में। और इसको थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे। और मोज़रेला चीज़ को मैंने क्यूब्स में काट लिया था, ये इसमें डाल देंगे और इसको वापस
बंद कर देंगे और आपको जोन सी भी साइज शेप अच्छी लगती हो अपने कटलेट्स की वो दे लें। अब इसको ये जो हमने मैदे का घोल बनाया था इसमें एक बार डिप कर देंगे और फिर इसको हमने ये जो अपने ब्रेड क्रम्स बनाए थे उसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से कोट कर देंगे। ब्रेड क्रम से अपना क्रिस्पी टेक्सचर आ जाता है, खाने में भी बहुत अच्छा लगता है कटलेट्स में। ये देखिए इस तरह से हम अपने सारे कटलेट्स को बना लेते हैं। ये देखिए अपना ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें हम अपने कटलेट्स को शैलो फ्राई कर लेंगे। देखिए एक तरफ से सिक गए हैं, अब इनको हल्के धीरे धीरे टर्न कर देंगे। मीडियम गैस पे इनको सेकना है, हाई मत कीजिएगा नहीं अंदर से कच्चे रह जाएंगे। धीरे धीरे ये बहुत अच्छे सिक जाते हैं। ये देखिए अपने कटलेट्स बिल्कुल तैयार हैं, एकदम क्रिस्पी। अब इनको निकाल लेते हैं हम प्लेट में। मैं आपको एक बहुत ही इजी डिप बता रही हूँ जो इन कटलेट्स के साथ बहुत अच्छी लगती है। ये मैंने एक टेबल स्पून मेयोनीज ली है, इसमें एक टीस्पून ग्रीन चिली सॉस और एक टीस्पून रेड चिली सॉस डाल दीजिए और इनको आपस में अच्छे से मिला लीजिए। ये कटलेट्स के साथ खाने में बहुत टेस्टी लगती है। आप लोग इस डिप को बना के कटलेट्स के साथ खाइएगा, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।